दिव्य दर्शन में आज आपको ले चलते हैं संसार के एक ऐसे शहर में जहां पिछले 47 सालों से फ्री में भोजन और जल सेवा की जा रही है और बना हुआ है ये शहर अपने कार्य के लिए हिंदुस्तान में मिसाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी की, जो समाज सेवा की मिसाल है। 47 साल से चल रहा है सांझा चूल्हा, गरीब और रेल यात्रियों का भर रहे हैं पेट। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामा सेवा दल समिति द्वारा सांझा चूल्हा पिछले 56 साल से लगातार चल रहा है। 5.5 दशक से अधिक की समयावधि बीतने पर भी यह चूल्हा एक दिन भी बंद नहीं हुआ। संस्था रेलवे स्टेशन क्षेत्र में खाने के पैकेट का निशुल्क वितरण करती है और इस मुहिम में शहर के सतीश चंद्र नामक व्यापारी ने 1974 में शुरू की थी, जो अभी भी जारी है। मुहिम को पिछले 25 सालों से जारी रखने वाले सतीश चंद्र के भतीजे विनोद और पप्पू गोयल का कहना है कि प्रतिदिन 300 लोगों को निशुल्क भोजन वितरण किया जाता है। जब सतीश चंद्र से हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि 1974 में उनके ताऊ सतीश चंद्र ने यह मुहिम शुरू की थी। उस समय होटल वगैरह नहीं होते थे, जबकि दादरी रेलवे स्टेशन से सवारी ट्रेन गुजरती थी और सफर के दौरान यात्रियों को कोई खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती थी। इसके अलावा क्षेत्र में ऐसे लोग और परिवार थे जो अपने लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने में भी असमर्थ थे। ऐसे लोगों को खाली पेट न सोने देने के लिए रामादल सेवा समिति का गठन कर यह मुहिम शुरू की गई। वे बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर पिछले 47 सालों से निःशुल्क खाना वितरित किया जा रहा है और पिछले 47 सालों में 50 लाख से भी अधिक लोगों को भोजन वितरण किया जा चुका है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, यहाँ पर निरंतर 2 महिलाएं काम करती है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मुहैया है ताकि जरूरत पड़ने पर ज्यादा भी भोजन बनाया जा सकता है और तरोताजा भोजन यहाँ पर जरूरतमंद लोग आते हैं और यहाँ पर बैठकर भोजन भी करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है कि वहीं पर रामा सेवा दल के द्वारा रोटियां और सब्जियां तैयार की जाती हैं, भारी मात्रा में तैयार की जाती हैं। पहले तो स्टेशन पर भी यह सुविधा थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते अब स्टेशन के बाहर ही भोजन वितरण करना पड़ता है। अगर कोई यात्री आता है तो वो स्वयं में गेट के पास से ट्रेन रुकती है तो भोजन ले जाता है। और दादरी जो रेलवे स्टेशन है चरखी दादरी का, वो पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में इस काम के लिए लोग शहर की प्रशंसा करते हैं। और यहाँ पर जो जल सुविधा है वो भी पिछले 47 सालों से ठंडे पानी का रेलवे स्टेशन पर जो सेवा दल के सदस्य हैं वो भी ट्रेन रुकती है, गर्मी में लोगों को पानी मुहैया कराते हैं ठंडा, ताकि उनको सफर में कोई दिक्कत ना आए, पानी की प्यास ना लगे। ये सेवाएं पिछले 47 सालों से जो कि तो चली हुई है। जैसा आपको वीडियो में देख रहे हैं, भारी तादाद में लोग यहां पर भोजन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी जरूरतमंद कभी शहर में आते हैं तो वो यहां भूखे ना रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी यात्री हैं, जरूरतमंद हैं, वो यहाँ से भोजन प्राप्त कर सकें। आओ हम किसी की मदद करें और इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपका एक लाइक और शेयर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये किसी भूखे इंसान की जरूरत जरूर मदद करेगा।